अस्सलामुअलैकुम, मैं तो बस मुस्तफा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिक्शेवाल। आज कल लोग बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग होना है, वो इसलिए कि आज आपको दिखाते हैं हैंड राइटिंग और वो भी अरबी में। ये देखें, उस दिन आपको वो दिखाई थी, वो सामने नज़र आ रही होगी आपको दीवार के पीछे। तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये भाई साहब लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है इकरा बिस्मी रब्बी अल्लज़ी खलक। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी लिख रहे हैं, अभी उसमें रंग वगैरह भर रहे हैं। ये भाई लोग ये सामने, वो आपको आगे दिखाते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, या यू जाकू बस कर ली सो, माशाल्लाह कितना प्यारा लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी राइटिंग है इनकी, और इनके हाथ में बहुत अच्छी सफाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सलामुल कौलुम मिन रब्बी रहीम लिखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला इनको जगा दे और इनकी उम्र में बरकत आए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लिखा, बड़ी प्यारी राइटिंग है। ये देखिए पीछे आपको भाई साहब नज़र आ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई साहब। पीछे रोड का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है, इसलिए ना सही बात सुनी नहीं जा रही। फाइनली व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखें गोधरा के जो शहीद हो गए हैं ना, उनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। गोधरा सिटी है, वो सामने स्कूल ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है। ये देखें, ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है जो शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत के फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये देखिए, ये गोधरे का थाना है, पुलिस स्टेशन है। और हम पहुँच चुके हैं अपने गोधरे वाले रिक्शा स्टैंड पर। ये देखें आगे आपको नज़र व्यू, आप पहुँचे हैं रिक्शा स्टैंड पर। आए आपको दिखाते हैं, एक शोर बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये खड़ा हुआ है लीला साहब, वो सारू प्रकार से शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको आवाज़ साफ सुनाई नहीं हो रही। अभी रिक्शे वाले फारिग खड़े हैं। ये जुर्मन चेक करें बाजार का। फाइनली पर ये देखें, सभी फारे खड़े हुए हैं। आप रक्षा वाला वो सामने छिड़ी गया, दिल है वो, दिल भाग गया सामने। फाइनली पर पहुंचे तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गए थे। ये देखे रिक्शे के पेट्रोल डलवा लिए, आप जा रहे हैं वापस। ये पेट्रोल पंप का व्यू चेक करें। पेट्रोल डलवाते वक्त आपको दिखाया नहीं, इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम पेट्रोल डलवाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये सामने रॉयल कुल्फी है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नया नया पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई सिक्योरिटी गार्ड, इनका नाम मदर मलक पार। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से सिक्योरिटी गार्ड है ये पेट्रोल पंप के ऊपर। यहाँ आपको पहले दिखाया ना, पेट्रोल पर डलवाया है। ये रिक्शा भी स्टार्ट करा हुआ है, पीछे वॉइस की ना शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही नाइस आदमी है। जिन्होंने अभी तक इस पंप को ज्वाइन नहीं किया जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, और क्वालिटी एक नंबर, ज़बरदस्त क्वालिटी है। ठीक है जी, फाइनली व्यूअर दोबारा रवाना हो गए हैं अपने शहर की तरफ। ये सामने एरिया सिर्फ भर गया, आप देख रहे होंगे। तो हम जा रहे हैं शहर, शहर पहुँच के आपको दिखाते हैं। यार आप शहर का व्यू चेक करें, हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, डेली बन जाते हैं लेकिन बारिश होती नहीं है। काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसे बादल बन जाते हैं लेकिन बारिश होती नहीं है। इंशाल्लाह ताला बताया वो तो है, बारिश होगी एक दो दिन में, काफ़ी बारिश बताई है। कल भी बता रहे थे टीवी में कि बारिश होनी है। माशाल्लाह गोधरे का व्यू चेक करेंगे, गोधरे का चांद रोड है, ज़बरदस्त। क्या लुत्फ़ अंदोज आ रहा है, लाइटें भी चल गई हैं। इधर ये माशाल्लाह आप चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितनी हाथ में सफाई है भाई में, कितना प्यारा खूबसूरत लिख के गए हैं। ये देखें चेक करें, आगे आगे जा रहा है भाई। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, अल्लाह ताला के नाम कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको मंडी का विज़िट करवाते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ को आग लगे। ये प्याज है, प्याज 200 रुपये किलो जा रहे हैं। ये देखें आम आदमी की पहुँच से दूर ख़त्म हो गया है। सब्ज़ी हांडी रोटी करना आम आदमी के बाद बस की बात नहीं रही। ये देखें आपको दिखाते चलते हैं। ये देखें चेक करें, ये देखें कितना कैसे कैसे का सामान पड़ा हो। ये गोधरा की सब्ज़ी मंडी है, चेक करें
करें टमाटर की तो बात है, टमाटर तो सस्ते हैं लेकिन मिर्चा का रेट देखिए क्या, 80 रुपये पाइए, यानी कि 300 रुपये किलो मिर्ची है। कौन पकाएगा ये, कौन लेके जाएगा ये देखे, ये देखे यार सब्जी को आग लगी हुई है। कोई भी चीज़ किसी के इस क्या कहते हैं आजकल की हांडी पकानी बहुत मुश्किल हो गई है। भी आ गए हैं रोड पे फल फ्रूट सब्जी वगैरह हर चीज़ आम आदमी के जहन से ही बाहर हो गया, इतना ही महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखें कितना शोर है पीछे रश की वजह से। चिकन है तो चिकन 600 रुपये किलो जा रहा है। ये देखें लो क्लास के मालडे हैं, ये भी 150 रुपये किलो हैं, और अच्छे मालडे 200 रुपये किलो जा रहे हैं। ये देखें पीछे सेब है, ये सेब पड़े हुए हैं, ये देखें वो सामने की दुकान सभी सेब की हैं, 400 रुपये किलो सेब जा रहा है। कहते आम आदमी कैसे लेके खाए आप बताएं, महंगाई ने तो हद ही कर दी है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रश देखे इतना, वो सामने फ्रूट की दुकान है, ये सब फ्रूट की दुकान है। महंगाई की वजह से देखिए कोई आदमी आए नहीं आए उनके पास, कोई आए कुछ तो आपको मिले। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है उल्टा गरीब होता जा रहा है। लिहाजा कुछ करें यार, कुछ कम करें, कोई चीज़ गरीब के बस में रहने दें।